सो फाइनली फाइनलीस मेरा अकाउंट का ऑप्शन चेंज हो गया आप लोग मेरा अकाउंट को देख लीजिए अकाउंट का नेम और लॉक होने का डेट चेक कर सकते हो सेम अकाउंट है जैसे मैं यहाँ पर आकर गेट स्टार्टेड में क्लिक करता हूँ इसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो अभी अकाउंट को ओपन करने के लिए गेट एक कुट बाई ई वाला ऑप्शन आ गया पहले सिर्फ और सिर्फ कन्फर्म आइडेंटिटी वाला ऑप्शन आ रहा था लेकिन अभी भाई दोनों ऑप्शन आ गया सो सोगाई आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपना फेसबुक लॉक अकाउंट का ऑप्शन चेंज कर सकते हो यानी कि आप लोग कैसे कन्फर्म आइडेंटिटी ऑप्शन से कुछ इस तरह से गेट ए कोड बाय ईमेल या फिर गेट ए कोड ऑन फोन वाला ऑप्शन ला सकते हो गाइस आज की इस वीडियो से उम्मीद करते हो कि ज़्यादातर अकाउंट का ऑप्शन चेंज हो जाएगा अगर गाइस फिर भी मान लीजिए आपका अकाउंट का ऑप्शन चेंज नहीं होता आपके पास योर आइडेंटिटी का ऑप्शन ही शो होती है तो आज की इस पीडी में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊँगा जिससे कि आप कन्फर्म आइडेंटिटी ऑप्शन से भी अपना अकाउंट को डायरेक्टली अनलॉक कर सकते हो तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करती है तो गाइस सबसे पहले तो आप लोग मेरा इस अकाउंट को देख लीजिए आप लोग जानकारी के लिए अकाउंट का प्रोफाइल पिक्चर नेम और लॉक होने का डेट चेक कर सकते 16 हो सिक्सटीन दिसंबर को अकाउंट लॉक हुआ था सो मैं जैसे अपने अकाउंट को अनलॉक करने के लिए यहाँ पर आके गेट स्टार्टेड में क्लिक करता हूँ इसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने कन्फर्म योर अकाउंट में कन्फर्म योर आइडेंटिटी वाला ऑप्शन शो हो रहा है यानी कि आई कार्ड अपलोड करने वाला ऑप्शन शो हो रहा है तो गाइस आप लोग मतलब आईडी डी कार्ड का ऑप्शन चेंज क्यों करना चाहते हो यानी कि योर आइडेंटिटी वाला ऑप्शन को क्यों चेंज करना चाहते हो तो भाई देखो ऐसे में कुछ रीज़न हो सकती है लाइक ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई भी आईडी डी कार्ड है नहीं यानी कि अपने अकाउंट का नेम और डेट ऑफ बर्थ से मैच करती है कोई भी ऐसा आईडी डी कार्ड है नहीं इसलिए भाई आप लोग योर आइडेंटिटी का ऑप्शन चेंज करके यानी कि योर आइडेंटिटी को छोड़ के गेट ए कूड बाईल या फिर नंबर वाला ऑप्शन शो करके आप लोग ई या फिर नंबर से ओ लेके अपने अकाउंट को ओपन करना चाहते हो तो भाई देखो ऐसे में भाई देखो मैं आपको जानकारी के लिए बताए तो अभी के टाइम में ज़्यादातर फेसबुक लॉक अकाउंट का ऑप्शन चेंज नहीं होता लेकिन हाँ भाई कुछ अकाउंट का ऑप्शन चेंज होता भी है ठीक है तो आज की इस वीडियो में फेसबुक लॉक अकाउंट का ऑप्शन चेंज करने के लिए दो तीन तरीके बताऊँगा हाँ भाई वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट आप लोग वीडियो को पूरा देखें और उम्मीद करते हो कर दो तरीके सेवेंटी परसेंट अकाउंट का ऑप्शन चेंज हो जाएगा अगर फिर भी भाई ऑप्शन चेंज नहीं होता कन्फर्मे और आइडेंटिटी का ऑप्शन ही शो होती है तो भाई वीडियो में बताऊँगा कि आपको क्या करना होगा और कैसे कन्फर्म योर आइडेंटिटी से विदाउट आईडी कर अपने अकाउंट का ऑप्शन चेंज करना होगा मतलब कैसे विदाउट आईडी कर अपने अकाउंट ओपन करना होगा कन्फर्म योर आइडेंटिटी से सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं आपको मतलब कन्फर्म योर आइडेंटिटी का ऑप्शन को चेंज करके गेटएकोड बाय ईमेल या फिर गेटएकोड ऑन योर नंबर पर ऑप्शन लेने के लिए सबसे पहला ट्रिक है कि आपके अकाउंट को आपको कोई भी एक फ़ेसबुक एप्लीकेशन में कुछ इस तरह से लॉग इन करना होगा लाइक like, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरा अकाउंट को मैंने लॉग इन कर लिया लॉग इन करके आपको पर आकर गेट स्टार्टेड में क्लिक करके नेक्स्ट में क्लिक करना होगा और अगर, अगर आपका अकाउंट को अनलॉक करने के लिए कुछ इस तरह से कन्फर्म आइडेंटिटी वाला ऑप्शन शो हो रहा है तो आपको सबसे पहला ट्रिक यह है कि आपका आई कार्ड सबमिट करना होगा यानी कि कन्फर्म आइडेंटिटी में क्लिक करके आपके पास जो भी आई कार्ड है देखो अगर आपका अकाउंट से मैच नहीं होता तो भी भाई कोई दिक्कत नहीं अगर आप लोग इंसान हो तो आपके पास कोई ना कोई आई कार्ड तो होगा आप लोग इसी आई कार्ड को सबमिट कर दो अगर आपका अकाउंट का नेम और डेट ऑफ बर्थ से मैच नहीं होता तो भी भाई आप आई कार्ड सबमिट कर दो अगर फेसबुक का और डेट ऑफ बर्थ से मैच नहीं होता तो हम हाँ मुझे मालूम है कि फेसबुक का मतलब आपका जो आईडी डी कार्ड है ना वो रिजेक्ट हो जाएगा आपका मतलब एक्सेस लिंक आपके पास नहीं आएगा बट फिर भी कोई नहीं आप लोग आईडी डी कार्ड सबमिट करो आपको भाई अगर आईडी डी कार्ड है नहीं आपके पास जो भी आईडी डी कार्ड है इसी आईडी डी कार्ड को आपको डेली कम से कम दो से तीन बार सबमिट करना होगा ऐसे चार से पाँच दिन आपको आई डी कार्ड सबमिट करना होगा मतलब कम से कम तीन से चार दिन आप आई डी कार्ड सबमिट करो डेली दो तीन बार करके तीन से चार दिन आप लोग कन्फर्म में और आइडेंटिटी में क्लिक करके आपके पास जो भी आई डी कार्ड है इसी आई डी कार्ड को सबमिट करो आईडी कार्ड को सबमिट करने से क्या होगा मैं आपको बताया तो अगर आप लोग डेली सेम आईडी कार्ड को सबमिट करोगे तो भाई देखो ऐसे में फेसबुक को पता चल जाएगा कि आपके पास कोई भी ऐसे आई कार्ड नहीं है आपका अकाउंट से मैचिंग इसलिए ऐसा हो सकता है कि फेसबुक आपका अकाउंट का ऑप्शन चेंज करके गेट ए गुड बाई ई या फिर नंबर वाला ऑप्शन दे सकती है भाई देखो कुछ इस तरह से मैंने काफ़ी सारे अकाउंट का ऑप्शन चेंज किया तो सबसे पहला ट्रिक य है कि आप लोग आई कार्ड सबमिट करो आपके पास जो भी आई कार्ड है इसी आई कार्ड को आई कार्ड को दो से तीन बार करके सबमिट करो एंड सेकेंड ट्रिक है कि आपको यहाँ पर आके हेल्प का एक ऑप्शन देखने में मिल जाएगा आपको यहाँ पर आके हेल्प में क्लिक करके आपके अकाउंट को लॉग आउट कर देना होगा यानी कि आपको हेल्प में क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से लॉग आउट करने का ऑप्शन आ जाएगा आपको अपने अकाउंट को लॉग आउट करके अपने अकाउंट का पासवर्ड रिसट करना होगा मैं देखो पासवर्ड रीसेट करने के बाद आपका अकाउंट आपका मतलब जितने भी फ़ोन कंप्यूटर डिवाइस में लॉगिन है अगर आपने अपना कोई दोस्त का फ़ोन में लॉगिन किया था इसी फ़ोन से लॉग आउट कर दो लॉग आउट करके आठ से दस दिन तक वेट करो तो ऐसे में भी ज़्यादातर अकाउंट का ऑप्शन चेंज हो जाती है अगर फिर भी आपका अकाउंट का ऑप्शन चेंज नहीं होता तो आप लोग बी से ट्राई कर सकते हो आपको प्ले स्टोर में काफ़ी सारा बी मिल जाएगा आपको यहाँ पर मतलब एक बी पी एन रिकोमेंड कर आप टच पी से भी ट्राई कर सकते हो अलग अलग प्रोगेसेस से ट्राई कर सकते हो ऐसे में कुछ अकाउंट डायरेक्टली भी ल हो जाती है या फिर हो सके तो आप अपना अकाउंट को कोई एन अदर फ़ोन से ट्राई कर सकते हो अब आठ से दस दिन अगर ऑप्शन चेंज नहीं होता तो आपका आपका अकाउंट को आपका कोई फ्रेंड को को का फ़ोन में लॉग कर लो आपका दो तीन फ्रेंड का फ़ोन में अलग अलग ब्राउजर में लॉग करो या फिर अलग अलग कंप्यूटर में लॉग करके देखो ऐसे में कुछ अकाउंट का डायरेक्टली ऑप्शन चेंज हो जाता है या फिर कुछ अकाउंट डायरेक्टली ओपन हो जाती है आप लोग कुछ इस तरह से अलग अलग फ़ोन या फिर कंप्यूटर में लॉग करके देख सकते हो एंड एक और ट्रिक बताए तो भाई थर्ड ट्रिक ये है कि अपने अकाउंट को आपको कोई भी एक ब्राउजर में कुछ इस तरह से लॉग कर होगा भाई सबसे पहले तो ब्राउजर में कुछ इस तरह से लॉग करके आपको सर्च पर में क्लिक करके सिंपली टाइप करना होगा कंफर्म आइडेंटिटी कुछ इस तरह से टाइप करके सर्च करना होगा इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से एक एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा पर सबसे पहले वाला फेसबुक का एक का हेल्प सेंटर पेज देखने को मिल जाएगा योर आइडेंटिटी फेसबुक आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना होगा इसके बाद कुछ इस तरह से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा चूज फाइल आपको चूज फाइल में क्लिक करके आपके पास जो भी आई कार्ड है आप इसी आई कार्ड को सबमिट कर दो आप पहले से आई कार्ड को फोटो खींच के यहाँ पर आके आपको आई डी कार्ड चूज करके आपको यहाँ पर आके सेंड में क्लिक कर लेना होगा देन आपका दो तीन सेकंड के अंदर कुछ इस तरह से सबमिट हो जाएगा लाइक आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से सबमिट हो जाएगा बट सबमिट करने से पहले आप भाई याद रखिए अपना अकाउंट इसी ब्राउजर में लॉग होना चाहिए कुछ इस तरह से एंड एक एंड उसके बाद आपको करना क्या होगा आपको फिर से यहाँ पर सर्चपुर में क्लिक करके कन्फर्म योर आइडेंटिटी लिख के सर्च करना होगा यहाँ पर फेसबुक हेल्प सेंटर का एक और वेबसाइट देखने में मिल जाएगा कन्फर्म योर आइडेंटिटी विथ फेसबुक आपको यहाँ आप पर क्लिक करके सेम प्रोसेस के कुछ इस तरह से भाई सेम प्रोसेस आ जाएगा आपको फिर से चूज फाइल में क्लिक करके आपका आईडी कार्ड को चूज करके यहाँ पर आगे सेंड करके मतलब सबमिट कर दो ऐसे में भाई आपको दो जगह आई कार्ड सबमिट हो जाएगा तो भाई फेसबुक को पता चल जाएगा आपका अकाउंट शायद वेरीफाई हो सकती है ठीक है कुछ इस तरह से भाई आपका आई कार्ड सबमिट कर दो आईडी डी कार्ड सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट हो सके तो इसी ब्राउजर से भी लॉगआउट कर देना मतलब हेल्प में क्लिक करके लॉग आउट में क्लिक करो अपना अकाउंट लॉगआउट हो जाएगा ठीक है आपको कुछ इस तरह से अपने अकाउंट को लॉग आउट कर देना होगा ऐसे में लॉग आउट करके आप वेट करना होगा कम से कम पंद्रह से बीस दिन तक वेट करो यानी कि आपका अकाउंट सभी डिवाइस से कुछ इस तरह से स्टेप को फॉलो करके लॉग आउट कर दो हाँ उससे पहले एक और स्टेप है आपको अपना फ़ोन का प्ले स्टोर ओपन करके सर्च बार में क्लिक करके सिंपली फेसबुक को लेकर सर्च करना होगा इसके बाद आपको एक वाला फेसबुक में क्लिक करना होगा देन यहाँ पर आकर आपको थोड़ा सा ऊपर जाकर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने मिल जाएगा डेवलपर कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से भाई फेसबुक का मेल देखने को मिल जाएगा अगर आपका फ़ोन में फेसबुक का मेल शो नहीं हो रहा तो आप लोग यहाँ से भाई क्लीन शूट ले लेना फेसबुक आपको यहाँ पर क्लिक करके अपना फ़ोन का ई मेल करना होगा देन आपका अकाउंट में जो भी ई मेल ऐड है इसी ई से आपको यहाँ पर आ मेल करना होगा आपको इसी ई से आके यहाँ पर मेल करना होगा आपको सब्जेक्ट में सिमटे कन्फर्म आइडेंटिटी या फिर फेसबुक अकाउंट लॉक टाइप करके आपको मेल करना होगा अगर आपको पता नहीं है कि फेसबुक पर मेल कैसे करें तो इस टॉपिक पर आपको मेरे चैनल में कुछ वीडियो मिल जाएगा आप लोग मेरे चैनल में आके कुछ वीडियो मतलब देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप लोग जाकर यहाँ पर एक वीडियो को जाकर देख लेना लाइक गाइस आप लोग जाके इस वाला वीडियो को देख सकते हो भाई फाइव महीना पहले अपलोड किया था है ट्वेंटी फोर के व्यू से आप इस वाला वीडियो को जाके देख लेना और उम्मीद करता हो कि आपको मेल में अपील करने का तरीका मिल जाएगा ठीक है कुछ इस तरह से आपको फेसबुक पर मेल करना होगा मेल करने के बाद आपका अकाउंट को ऐसे छोड़ दो कम से कम बीस से पच्चीस दिन तक छोड़ दो उसके बाद आपका अकाउंट को ओपन करना तो आपका अकाउंट का ऑप्शन चेंज हो जाएगा अगर लाइक फिर भी आपका अकाउंट का ऑप्शन चेंज नहीं होता योर आइडेंटिटी वाला ऑप्शन शो होती है तो आपको योर आइडेंटिटी में क्लिक करके देखना होगा ऐसे में कुछ काउंट में यहां पर भाई वीडियो वेरिफिकेशन का ऑप्शन आती है लाइक मैं आपको दिखाया तो गाइस इसी बात देख सकते हो कुछ अकाउंट में कुछ इस तरह से भाई टेक ए वीडियो सेल्फी का ऑप्शन आ जाती है तो अगर आपका अकाउंट में कुछ इस तरह से भाई वीडियो सेल्फी वाला ऑप्शन आ जाता है तो ऐसे में भाई देखो आप वीडियो सेल्फी वाला ऑप्शन से भी अपने अकाउंट को कन्फर्म कर सकते हो यानी कि आपको अपना फेस का एक वीडियो सेल्फी मतलब सबमिट करना होगा इसके बाद आपका अकाउंट डायरेक्टली वेरीफाई हो जाएगा आपको कोई भी आईडी का मतलब नहीं चाहिए अगर आपको वीडियो सेल्फी की रिकॉर्डिंग ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस टॉपिक में मैंने रिसेंटली एक दो दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था सॉरी चार दिन पहले अपलोड किया था अब जाकर इस वाला वीडियो को जाकर देख सकते हो और उम्मीद करते हो कि भाई वीडियो सेल्फी के बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा आप लोग जाके भाई वीडियो सेल्फी को जाकर ट्राई कर सकते हो ठीक है तो गैस अभी मैं कुछ दिन वेट कर ले तो आप लोग मेरे फ़ोन का भाई टाइम और डेट वगैरह चेक कर सकते हो जैसे मेरे अकाउंट का ऑप्शन चेंज होगा तो भाई मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगा सो so गैस अभी मेरा अकाउंट का ऑप्शन चेंज हो गया यानी कि मेरा अकाउंट लॉक हुआ है आज दस दिन से भी ऊपर हो गया और गैस सबसे पहले तो आप लोग मेरा इस अकाउंट को देख लीजिए अकाउंट का नेम प्रोफाइल पिक्चर और लॉक होने का डेट चेक कर सकते हैं सोलह दिसंबर को अकाउंट लॉक हुआ था यानी कि मैंने सेम अकाउंट लॉग इन कर लिया सो मैं जैसे यहाँ पर आकर गेट स्टार्टेड में क्लिक करके नेक्स्ट में क्लिक कर दो तो गैस यहाँ पर देख सकते हो तो आपके सामने लाइव अकाउंट का ऑप्शन चेंज हो गया पहले सिर्फ और सिर्फ कन्फर्म्यूर आइडेंटिटी वाला ऑप्शन आ रहा था लेकिन अभी गेट ए कु

टीपी लेके भी अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हो तो मैं आपको मतलब जानकारी के लिए फिर से अकाउंट को ओपन करके कर तो कैसे आप लोग देख सकते हो सेम अकाउंट अकाउंट है मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करके नेक्स्ट में क्लिक कर दो कैसे यहाँ पर देख सकते हो दो दो ऑप्शन आ गया कन्फर्म योर आइडेंटिटी एंड गेट ए गुड बाई ई वाला ऑप्शन आ गया तो चलिए मैं सबसे पहले भाई गेट ए भाई बाई ई मेल से मैं इस अकाउंट को आपके सामने लाइव अनलॉक करके दिखाया तो आपको भाई गेट ए भाई बाई ई मेल में क्लिक करके सिंपली गेट कोड में क्लिक कर लेना होगा आप लोग जैसे ही गेट कोड में क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा यहाँ पर आपका अकाउंट का जो ईमेल मेल ऐड मतलब आपका अकाउंट में जो ईमेल मेल ऐड है इस ईमेल में एक ओटीपी आएगा इस ओटीपी को आपको सिंपली यहाँ पर आकर टाइप करना होगा आपको दो तीन सेकंड वेट करना होगा और दो तीन सेकेंड के अंदर आपके पास ओ कुछ इस तरह से आ जाएगा आपको सिम्पली यहाँ पर ओ ओपन करना होगा कैसे आप लोग मेरा अकाउंट का ओ टी चेक कर लीजिए आपको यहाँ पर ओ कॉपी कर लेना होगा कैसे यहाँ पर देख सकते हो आपके पास कुछ इस तरह से ओ आ जाएगा आपको इसे कॉपी करके सिंपली आपको यहाँ पर आके पेस्ट करना होगा पेस्ट करके सिंपली आपको यहाँ पर आके सबमिट में क्लिक करना होगा आप लोग जैसे सबमिट में क्लिक करेंगे आपका अकाउंट कुछ इस तरह से कंफर्म हो जाएगा ऐसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने अकाउंट कंफर्म हो गया आप भी मतलब थोड़ा सा लॉगिन डिटेल्स को सिक्योर करना होगा आपको नेक्स्ट में क्लिक कर लेना होगा इसके बाद आपके अकाउंट में जितने भी नंबर या फिर ईमेल ऐड है यहाँ पर शो हो जाएगा लाइक मेरे अकाउंट में कोई भी नंबर ऐड है नहीं तो यहाँ पर आका आपको नेक्स्ट में क्लिक करके एक नया पासवर्ड टाइप करना होगा तो भाई कुछ इस तरह से आपको एक नया स्ट्रॉग पासवर्ड टाइप करके सिंपली आपको यहाँ पर रखे सेब चेंज में क्लिक करना होगा आपको जैसे सेप चेंज में क्लिक करेंगे आपको दो तीन सेकंड वेट करना होगा इसके बाद दो तीन सेकंड के अंदर कुछ इस तरह से आपके पास लॉग इन डिटेल्स आ जाएगा आपको क्लोज में क्लिक करना होगा देन गैस यहाँ पर देख सकते हो फाइनली भाई मतलब अभी कम्प्लीटली मेरा अकाउंट अनलॉक हो चुका है आप लोग भाई अकाउंट का प्रोफाइल चेक कर सकते हो आपके सामने लाइव अकाउंट अनलॉक हो गया तो अब अभी सिंपली आपको यहाँ पर आके बैक टू फेसबुक में क्लिक करना होगा देन आपका अकाउंट कुछ इस तरह से भाई ओपन हो जाएगा गायस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने लाइव अकाउंट ओपन हो गया आप लोग चाहो तो अकाउंट का प्रोफाइल वगैरह चेक कर सकते हो प्रोफाइल पिक्चर चेक कर सकते हो सही अकाउंट है आपके सामने लाइव अकाउंट का ऑप्शन चेंज करके अकाउंट को ओपन करके दिखाया तो बजगत आज का वीडियो इतने अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला मिला कुछ भी नया जानकारी मिला तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर आप लोग मेरे चैनल का वीडियो पहले बार देख रहे हो दिल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो